संत निरंकारी मंडल द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पूरे देश में बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा शुरू किए गए रक्तदान शिविर को निरंतर बनाए रखते हुए इस वर्ष भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भिलाई दुर्ग की इकाई के द्वारा किए गए आयोजन में भी संत परिवारों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। 24 अप्रैल का दिन संत निरंकारी मंडल के लिए विशेष महत्व रखता है। 24 अप्रैल के दिन बाबा गुरुबचन सिंह जी एवं अन्य बलिदानी संतों की शहादत को स्मरण किया जाता है। इसी स्मरण में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने रक्तदान श्रृंखला की शुरुआत की थी। बाबा हरदेव सिंह जी का कहना था कि मानव का रक्त नालियों में नहीं बल्कि मानव के रगों में बहना चाहिए। तब से लेकर आज तक पिछले 35 वर्षों से लगातार 24 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन दुर्ग भिलाई द्वारा इस वर्ष भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में किया गया। माननीय जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में सीएमओ डॉक्टर जेपी मेश्राम की देखरेख में ब्लड बैंक नोडल अधिकारी डॉक्टर पी के अग्रवाल, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर नेहा बाफना और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट महेंद्र चंद्राकर, आईडी चंद्राकर, रूपेश सरपे व ब्लड बैंक की पूरी टीम का विशेष सहयोग रहा। विशाल रक्तदान शिविर में इच्छुक रक्तदाताओं ने अपना पंजीयन करवाया। पंजीयन के पश्चात सभी का रक्त जांच किया गया। हीमोग्लोबिन व अन्य कारणों की कमी से कई रक्तदाता रक्तदान से वंचित रह गए। दुर्ग जिले का यह सबसे बड़ा रक्तदान शिविर रहा जहाँ बड़ी मात्रा में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में महिलाओं और पुरुषों ने भी मिलजुल कर रक्तदान किया। रक्तदान के पश्चात सभी रक्तदाताओं को स्वल्पाहार कराया गया और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस विशाल रक्तदान शिविर को लेकर जहां एक ओर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन दुर्ग भिलाई के पदाधिकारियों ने जानकारी दी, वहीं प्रथम बार अपना रक्तदान करने वाली एक युवती ने भी अपने अनुभव को साझा किया। पिछले 40 वर्षों से बाबा गुरुबचन सिंह जी की शहादत के बाद हमारे पूर्व सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की भावना थी कि मानव का रक्त जो है वो नालियों में नहीं नालियों में बहना चाहिए, और समाज में ब्लड डोनेशन को लेकर बहुत सारी ऐसी भावना थी कि लोग ब्लड डोनेशन लेने से डरते हैं। उस भावना को लेकर कि मानव का रक्त जो है नालियों में नहीं नालियों में बहना चाहिए, पिछले 40 वर्षों से लगातार संत निरंकारी मंडल जो है हमारे सदगुरु के आदेश से ये ब्लड डोनेशन कैंप उनके आदेश से पूरे हिंदुस्तान में हर जगह आयोजित होते हैं। और अभी वर्तमान सदगुरु सदगुरु माता सुदीक्षा जी का भी आदेश है और उन्हीं के आदेश से इस वर्ष भी ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और इसमें सारे निरंकारी संतों की भावना यही है, एक भावना है कि बुराई का बदला जो है वो भलाई से दे। अगर कोई रक्त बहाने की बात करता है तो हम रक्त देने की बात करते हैं, तो निरंकारी मिशन जो है उसी भावना से सर्व समाज के लिए रक्त डोनेट करता है। और वो जिला अस्पताल दुर्ग की टीम आती है और ये वही जमा होता है और वहाँ से वो गरीबों को जाता है। इससे एक भावना ये भी हो जाती है कि रक्त किसी का जो कोई दान होता है तो दाएँ हाथ से दो तो बाएँ हाथ को पता नहीं चले, तो यहाँ जितने रक्तदाता रहते हैं उनको ये भी नहीं पता होता था कि वो किस जरूरतमंद को ब्लड गया। तो वो एक भावना है कि समाज की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी, क्योंकि सभी में ईश्वर का रूप है और सब में ईश्वर का रूप जान के एक निराकार ईश्वर की पहचान जो है ब्रह्म ज्ञान निरंकारी मिशन कराता है कि एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। ये सारा जो वर्ल्ड है वो एक विश्व बंधुत्व की भावना में बनता है और उसी भावना से सबको एक मानते हुए हम लोग यहाँ पे निष्पक्ष और बिना भेदभाव के रक्तदान करते हैं और वो रक्तदान करो वो जिला हॉस्पिटल में जाते हैं। कैंप लगा है ये मानव एकता दिवस हम हर साल 24 अप्रैल को मनाते हैं बाबा गुरुबचन सिंह की शहादत के रूप में। तो जैसा कि बताया गया कि हमारा जो रक्त है अभी अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि इतनी ज़्यादा थैलोसीमिया के बच्चे हैं, कम से कम इनको 150 से 200 यूनिट हर मंथ सिर्फ हमारे दुर्ग हॉस्पिटल को ही लगती है, तो इसलिए ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। पिछले साल भी हमने दुर्ग जिले में सबसे ज़्यादा रक्तदान किया था। हमारी ये कोशिश रहती है कि दुर्ग जिले में जितने भी रक्त जिनको ज़रूरत होती है उनको कोई कमी ना आए।
हम सिर्फ ये तो कैंप लगाए हैं और कैंप के बगैर भी हम जब कभी कहीं किसी हॉस्पिटल में जरूरत होती है, हमें कोई कॉल आता है तो हमारी टीम उसके लिए तत्पर रहती है, यथासंभव कोशिश करती है कि हर एक को रक्त पहुँचे, अगले को जीवन दान मिले, क्योंकि एक रक्तदान देने से 3 लोगों का जीवन बचता है। इसलिए हमारे सदगुरु के साथ सदगुरु माता सुनिश्चा जी महाराज की ये बड़ा ही भाव है कि हमारे साथ ही हम किसी की जान बचा सकें। रक्तदान महादान बोला जाता है, रक्तदान कहते हैं प्राणदान है, प्राणदान को दे पाते हैं, ये सबसे बड़ी सदगुरु की कृपा होती है कि रक्तदान कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं हमें खुद को नहीं पता होता। यही निरंकारी मिशन का ये ध्यान है। आपका नाम बता दें? सतपाल सिंह सैनी, संयोजक भिलाई, और हमारे साथ खड़े इंद्रजीत सिंह निरंकारी जी, संयोजक। ये मेरा पहली बार, फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा महसूस कर रही, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ब्लड दी हूँ और उसके बाद अब फल फ्रूट मिला था खाने को, खा के मैं जस्ट बाहर निकल गई, मैं रेस्ट भी नहीं की हूँ। अच्छा लगता है ब्लड दे के, उनको करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, एक बहुत अच्छा काम है ब्लड डोनेट करना। इस विशेष आयोजन में रक्तदाताओं का उत्साह वर्धन करने के लिए विशेष रूप से सत्संग का भी आयोजन किया गया था। सत्संग में रायपुर के श्री दीपक पंजवानी जी ने सत्संग को संबोधित किया। इस सत्संग के माध्यम से उपस्थित जन समुदाय ने भक्ति लाभ उठाया और भक्ति के सागर में खूब गोते लगाए। एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।